क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सही में, सही में अब कैसे करेंगे सर? अरे अरे भाई साहब, धरा पर बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज अमल मनाली में है, मनाली से निकल रहे रायपुर के लिए, और ये हमारा गाड़ी तैयार। यहाँ भाई लोग चेन क्लीन कर रहे हैं, ब्रेक पैड चेंज कर रहे हैं। इस प्रकार से था हमारा रूम, सामान नीचे जा चुका है और ये कुछ मेरे सामान पड़े जो है। मनाली से देखते हैं 200-300 किलोमीटर कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि पानी है आगे, पानी में कितना दूर चला पाएंगे देखते हैं। चलिए नीचे मिलते हैं और पैकिंग वैकिंग करते हैं, नीचे गाड़ी पे लोड करते सामान, मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे। शुरुआत करते हैं आज मनाली से रायपुर, रायपुर तो नहीं है, दिल्ली में रुकेंगे। आगे देखो सेब का कंटिन्यू, यहाँ पर हर गली मोहल्ले में सेब का झाड़ है। देखो कितना, और मौसम देखो सामने का पूरा बादल छाया हुआ है। हम लोग निकल रहे मनाली की गली से होते हुए चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली की ओर। ये आपका हॉट एयर बैलून देखो कितना प्यारा दिख रहा है, यहाँ से पूरा मनाली व्यू कर सकते हो ऊपर से। तो आप मेरे जो लेफ्ट साइड देख रहे हो, ये एक पुल है, हैंगिंग पुल। समय नहीं है ना तो चलते, तो रास्ता देख सकते हो गाइस आप। और पानी का बहाव वाकई बहुत तेज है, और ये सब रास्ता तो अपन लेह लद्दाख में देख के आए हैं, तो अपने लिए कुछ नया नहीं है। टनल्स बन रहे हैं, आगे और आने वाला समय पूरे टनल्स के अंदर से ही बाईपास कर देगा ये हाईवे को। तो बहुत देर बाद हमको ऐसा रोड मिला हाईवे टाइप का, और देखते हैं कहाँ तक जाता है। थक गया यार, 11 बजे निकले, 3 बज रहा है, 4 घंटे में 100 किलोमीटर चले मात्र 110 किलोमीटर। ये हम अभी पंजाब एंटर कर रहे हैं, तो रात को मोहाली में रुक गए थे, अभी यहाँ से निकल रहे हैं सोनीपत होते हुए सागर पहुँचेंगे। देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं, यहाँ से कम 12-13 घंटे 14 घंटे का सफर है, तो समय हो गया सुबह का 6 बज रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हो सकता है ये ब्लॉग कंटिन्यू आए। तो ऊपर से आप देख रहे हो बस कार, यही रोड को हम लोग कल मिस कर दिए थे, चंडीगढ़ की तरफ घुस गए थे। ये NH-44 है और हम दोनों के चेहरे में खुशी। यहाँ पर चालू हो रहा है पानी, हम लोग रेनकोट पहन रहे हैं। अरे विवेक सर चक्का हिल रहा है, देखो तो पंचर हुआ क्या, हवा कम हो रहा है क्या, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सही में, सही में पंचर हो गया है गाड़ी, पंचर हो गया। अब कैसे करेंगे सर? अरे रोको रोको यार, देखना पड़ेगा, 4000 होगा। तो हमारी गाड़ी यहाँ है, पंचर हो गया है यमुना एक्सप्रेस पे। मैं कैमरा बंद कर दिया था, अभी चालू क्यों, खिला गड़ गया था, तो ये ट्रक को हमने रोका तो भाई साहब ने खिला निकाला, थैंक यू भैया। तो रास्ते में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर तक जाना पड़ेगा पंचर टायर में, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे में चढ़े तो यहाँ कुछ नहीं है दूर दूर तक। आई चलो भैया, धन्यवाद। हाँ दब गया, एकदम एकदम दब गया। हाँ पंचर गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, हो सकता है कि टायर भी बदलना पड़ सकता है, ट्यूब भी बदलना पड़ सकता है, क्योंकि पीछे बहुत लोड है, और देखते हैं जो होगा देखेंगे। हाँ ये चीज़ अच्छा है कि एक प्लेन रोड है, लेकिन ये चीज़ बुरा भी है कि अपना यमुना एक्सप्रेस में पंचर हुआ, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं है। हाँ ऐसा रास्ता में पंचर होना नहीं चाहिए, अच्छे स्पीड में था मैं, पूरा समझ में आ गया कि हवा निकल रहा था, रोक दिया।
चलिए देखते हैं आगे कहाँ कहाँ तक मिलता है उनको। हाँ हाँ उनको बुला लो, यहाँ सीधे के खड़े हो जाएंगे आप। यहाँ से यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बोल रहे हैं भैया जी। हाँ टेम्पू वगैरह जाते हैं नीचे से। अच्छा टेम्पू बैठ जाएगा किसी पास वाले बात तो, और यहाँ से आगे गांव पड़ेगा। हाँ वो गांव के रोड के सारे ही है। और अच्छा। मेरा नाम लेते ना मुकेश सेठ जी ने भेजा है। मुकेश हाँ मुकेश सेठ जी ने भेजा है तो हाईवे पे वो बैठे हैं तो वो चला आएगा। उसका नंबर नहीं मेरे पास, वो नंबर बोर्ड में लिखा है सर, वो फ़ोन कर रहे हैं तो क्योंकि आगे जाना मुश्किल है, गाड़ी का पूरा हिल रहा है गाड़ी। हाँ पंचर हो गया। ये देखो यमुना एक्सप्रेस है, ये आगरा जाने वाला रूट है। हम लोग यहाँ से गाड़ी घुमा के लाए और भैया मेहनत कर रहे थोड़ा सा। एक तो क्या है गर्मी जान ले रहा है, ऊपर से ये नहीं होना चाहिए कोई सफ़र में, ये सबसे घातक है। वो भी ट्यूबलेस है तो ट्यूबलेस है तो ठीक है, अगर ट्यूब वाला लेकर चल रहे हो तो आप पंचर फिट भी रखो तो मतलब नहीं। ये तो किस्मत अच्छा है कि 1 किलोमीटर में हमको मिल गया। हर किसी का किस्मत ऐसा नहीं रहेगा, अगर आप ट्यूबलेस लेके आओगे तो बेस्ट है लाइफ पे। नहीं है ना और कुछ? भैया ने बहुत अच्छा काम किया कि टायर को नहीं खोला, क्योंकि टायर खोलने से और टाइम लगता और सेटिंग भी नहीं बैठ पाता है। हाँ हवा भरने का जुगाड़ नहीं है तो ये हैंड पंप से हवा भरा जा रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे है। ये भैया का दुकान देखो नीचे है, इधर इधर से इतना दूर आएगा नहीं, तो ये हैंड पंप लाया है 2 किलोमीटर दूर से। पंचर बन गया है अपना, आई होप आगे और कुछ ना हो। चले अकरम भाई, तो देखते हैं यमुना एक्सप्रेस ही क्रॉस नहीं हो रहा आज, क्या हो गया पता नहीं। शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग आगरा ग्वालियर क्रॉस करते हुए अभी झांसी पहुंच चुके हैं, और सागर का प्लान जरूर था लेकिन गाड़ी जो पंचर हुआ, गाड़ी जो मेरे पीछे 1 घंटा लगा हमको, 1.25 घंटा, उस कारण से हम सागर नहीं पहुंच पाएंगे आज। कल सुबह राइड चालू करेंगे 6 बजे, और अभी 15-20 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए झांसी के आसपास ही स्टे करेंगे। हम लोग कल झांसी में रुक गए थे और यहाँ से जो रायपुर का सफ़र है 800 किलोमीटर का है जो सागर होते हुए जाएगा, तो आज कैसे भी करके रायपुर पहुँचना है, भले 8 बजे 9 बजे क्यों सर, आप भले 12 बजे। यहाँ गाड़ी रेडी हो गया है दोनों का, ये लास्ट होटल लास्ट पैकिंग। तो होटल छोड़े हमको 26 किलोमीटर हो गया, पेट्रोल भी फुल अप करवा लिया है हमको, आज 770 किलोमीटर चलना है जिसमें हम लोग 350 किलोमीटर कवर कर लिए है। 101 रुपये 19 पैसा यहाँ हम डाले हैं 500 रुपये का पेट्रोल, जो कि लास्ट फ्यूल पॉइंट है हमारे घर रिटर्न का और ये सफ़र का। तो यहाँ हमारे गोपाल भाई आ चुके हैं रायपुर एंटर करते ही। सर 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद। आपके लिए आपके लिए अभी है। अरे भाई साहब पर मजा आ गया। फाइनली हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं, और रायपुर पहुंचते ही हमारे गोपाल भाई ने जैसे स्वागत किया, आप देखे होंगे घर में जो से स्वागत किया भाई, इधर पे फूल माले वगैरह पहना दिए सब, मतलब नेक्स्ट लेवल का हम लोगों का वेलकम हुआ। वाकई बहुत मजा आया और आज का राइड 8 घंटे में 800 किलोमीटर हम लोग 12 घंटे में सफर किया है, और अभी रॉयल एनफील्ड के सामने ही खड़े हैं।
स्टडी वन। और सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? राइट अपना खत्म हो रहा आज 15 दिन खत्म हो रहा है। 16 दिन साथ में थे, बड़ा मजा आया, मतलब इतना इन्जॉय किया भाई मैंने। K2 के भी किया, बहुत सारे राइड किए, लेकिन इतना इन्जॉयमेंट कभी नहीं हुआ जितना इस लद्दाख ट्रिप पे मैंने इन्जॉय किया। नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट मजा आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी प्लानिंग हो चुकी है। तो वीडियो अगर आपको पूरा सीरीज अभी तक तो देख ही लिया होगा, सीरीज पसंद आया तो पता भी आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करो लोगों तक पहुंचे वीडियो। सीरीज जो था प्लेलिस्ट में आ रहा है, प्लेलिस्ट पूरा शेयर कर दो पूरा। तो लद्दाख सीरीज यहीं पर एंड करते हैं जी। ठीक, यहाँ तक वीडियो देख लिया किसी भी कारण से अच्छा लगा वीडियो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़, जय लद्दाख, जय लद्दाख, जय लद्दाख। अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही कोई धमाकेदार सीरीज में। बिल्कुल, तब तक के लिए सबका खैर, खुदा खैर जी, बाय बाय। हम भी जा रहे हैं अपने घरों, चले सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट कभी कोई सीरीज में, कोई ब्लॉग में। लद्दाख सीरीज यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।